मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान फसल के लिए जिले में पंजीकृत 78,079 किसानों को तृतीय किश्त के रूप में 57,15,00,000 रुपए राशि का अंतरण किया। वहीं अन्य फसलों के लिए 3,569 किसानों को 6,15,000 रुपए की राशि किसानों को अंतरित की। इसके साथ ही गौधन न्याय योजना के अंतर्गत 2,31,353 क्विंटल गोबर क्रय का 4,51,00,000 रुपए अंतरण किया गया। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने गरियाबंद जिला अंतर्गत नवीन तहसील अमली दर के ग्राम चीखली के किसान विजय पटेल से मुख्यमंत्री ने बात की। वहीं किसान द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मुझे 66,000 रुपए की आय केवल उड़द फसल से हुई है और 10 एकड़ में उन्होंने उड़द की फसल लगाई थी जिससे 66,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि वे वर्मी खाद का भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके पूर्व उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 1,23,000 रुपए का लाभांश मिला है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय नेताम, जिला पंचायत सदस्य लुकेश्वरी नेताम, कलेक्टर प्रभात मलिक, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, किसान साथी एवं हितग्राही मौजूद रहे। सामग्रियां बनाता है तो आज माननीय मंत्री 588 किसान और अरहर के 400 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। क्योंकि जब फसल का आवक बढ़ता है तो मार्केट का रेट कम हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित हो जाने से किसान के लिए एक सुविधा हो जाएगा कि जहां अधिक रेट मिल रहा है किसान वहां जाके अपने को बेच सकता है। मुख्यमंत्री जी विजय पटेल जी से बात किए, वो काफी अच्छे किसान है, ऑलरेडी मूंग उड़द अरहर के काफी क्षेत्र में खेती करते हैं और उससे वो किसान का अनुभव ये है कि ये व्यवस्था स्थापित हो जाने से आने वाले दिनों में फसल का रकबा बढ़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मेरे को चर्चा करने का अवसर मिला और मैंने उनके बारे में बात रखी और वो भूपेश बघेल जी किसानों के हितैषी हैं, जो उन्होंने हर किसानों के लिए कुछ न कुछ योजना। क्या बात हुआ हा? अभी मैंने उड़द के बारे में, गौधान के बारे में, फिर धान के जो